दोस्तों नमस्कार। दीपावली के शुभकामनाएं सभी लोग दे रहे हैं एक दूसरे को आपस में। मैं इस समय यशवंत जी आंचलिया के साथ बैठा हुआ हूं। यशवंत जी आंचलिया सराफा एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष हैं। यूँ तो यशवंत जी आंचलिया ज्वेलर्स मार्केट में या हमारे यहाँ घंटाघर पर बहुत ही मशहूर व्यक्ति है, हेल्पिंग नेचर के आदमी हैं और कई सारी एसोसिएशनों से जुड़े हुए भी है। यशवंत जी आंचलिया हमारे फील्ड क्लब के भी सचिव हैं। फील्ड क्लब का सचिव होना एक बहुत बड़ी बात होती है। यशवंत जी आंचलिया पूर्व में फील्ड क्लब के दो बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो चाहते हैं कि आप अपने आप में बड़ी शख्सियत हैं, बिजनेसमैन हैं, उदयपुर के अच्छे व्यापारी हैं। आप हमारे चैनल को, अपने मित्रों को और उदयपुर की जनता को कुछ कहें, शुभकामनाएं दें। सबसे पहले तो भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर शहर की जनता को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयां देना चाहूँगा और ईश्वर से कामना करता हूँ कि सभी शहरवासियों को आने वाला साल मंगलमय हो। अभी हाल ही में मैं सराफा एसोसिएशन उदयपुर का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सराफा एसोसिएशन लगभग देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले से हैं और विगत कई वर्षों से सराफा एसोसिएशन चुनाव नहीं होने की वजह से एक सुस्त सा चल रहा था, पर अभी सभी सराफा व्यवसायियों ने एक आम सभा बुलाकर, जो पूर्व में हमारे अध्यक्ष हैं इंदर सिंह जी मेहता साहब, उन्होंने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा और सभी ने आम सभा में मुझे मेरे नाम पर सहमति दी और मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। मैं इस अध्यक्ष पद पर रहते हुए, मेरा काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा एजेंडा है, पर मैं अभी शॉर्ट में कहना चाहूँगा, मैं सदैव सराफा व्यवसायों के हित में कार्य कर रहा हूँ। पिछले 20 सालों से मैं उदयपुर होलसेल गोल्ड ज्वेलर्स एसोसिएशन का संरक्षक हूँ। उसके नाते मैंने, मेरे कभी भी किसी भी ज्वेलर्स के कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो मैं उसको तुरंत उसका निराकरण करने में हमेशा उपलब्ध रहा हूँ। अब मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई है। अध्यक्ष होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मेरे किसी भी सराफा व्यवसायी को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ आती है तो मैं तुरंत उसके लिए खड़ा रहूं और ईश्वर से भी यही कामना करता हूं कि मैं इन लोगों के साथ खड़ा रहकर इनके जो भी समस्या आती है उसको निपटाने में मुझे शक्ति प्रदान करें और शीघ्र ही मैं अपनी नई कार्यकारिणी का गठन करके और मार्केट में अपने व्यवसायियों को दूंगा और दीपावली के बाद एक बहुत बड़ा शपथ ग्रहण आयोजन समारोह करने की भी हमारी इच्छा है। और बाकी तो मैं, भाई साहब छोगलाल जी, भाई साहब ने जैसा बताया कि फील्ड क्लब, तो फील्ड क्लब में अभी मानद सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। वहाँ भी मेरी कई प्राथमिकताएं हैं और पिछले 6 महीनों से मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है और सभी फील्ड क्लब के जो सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं, उनका भी बहुत ही स्नेह और प्यार मेरे ऊपर है। दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं, यशवंत जी आंचलिया से बात कर रहे हैं। अभी तो क्या कि चुनाव का माहौल है, राजस्थान विधानसभा के चुनाव होंगे। यशवंत जी आंचलिया भी उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा काम करते हैं और ये प्रॉपर तो यही बताएंगे क्योंकि ये डूंगला के निवासी हैं, बड़ी सारड़ी से हैं। बड़ी सारड़ी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर भी MLA तो बनते ही बनते हैं। पहले प्रकाश जी चौधरी थे, उसके बाद में अभी भारतीय जनता पार्टी के हैं गौतम जी दग हैं। अब क्या कि हो सकता है कि आपने भी टिकट मांगा है भारतीय जनता पार्टी से, जो भी सभी अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। सर बड़ी सारड़ी से आपने टिकट मांगा है और अभी तो कहाँ किस स्टेज पे पहुँचा है, और अगर बड़ी सारड़ी से आपको MLA का टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है तो बड़ी सारड़ी के विकास में आपकी क्या ऐसी खास
प्राथमिकता है जो बड़ी सारणी को के लोगों को लगे, बड़ी सारणी के वोटरों को लगे कि आपने बहुत बढ़िया काम किया बड़ी सारणी में, ऐसी कोई विशेष बात हो तो बताओ। ऐसा है भाई साहब, मैं मूलतः बड़ी सारणी का रहने वाला हूँ और एक किसान परिवार से हूँ। बड़ी सारणी के पास एक छोटा सा मेरा गाँव है पिंड, वहाँ काफ़ी मेरी खेती बाड़ी घर सब कुछ है। और 2013 के चुनाव में भी मैंने दावेदारी करी थी और उस समय भी मेरा नाम 3 का जो पैनल बनता उसमें मेरा नाम था। पर ठीक है, पार्टी को जो उचित लगा गौतम जी तक को टिकट मिला और गौतम जी तक विधायक हैं। अभी वर्तमान में भी मैंने वापस दावेदारी करी और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पार्टी से भी मैंने यही कहा है हमारे जो ऊपर हैं, अगर गौतम जी तक का अगर टिकट आप चेंज करते हैं तो आप सेकंड प्रायोरिटी मुझे दी जाए, क्योंकि मैंने वहीं पढ़ाई करी है, वहीं का रहने वाला हूँ और उस क्षेत्र से काफ़ी मेरा लगाव है और मैं एक सेवा भाव से राजनीति में जाना चाहता हूँ। कि जो हमारे वैसे तो पिछले 5 सालों में मोदी जी के राज में बहुत ही विकास कार्य हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, गौतम जी ने बहुत डेवलपमेंट कराया है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो एक तो मैं सबसे पहले सीट को निकालने की यानी कि जीतने की गारंटी देता हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो अवश्य रूप से बड़ी साड़ी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। जैसा कि यशवंत जी अपनी ट्राई कर चुके हैं, आपने स्वप्न भी बताया और मुझे भी मालूम है कि पिछले विधानसभा में भी आप दूसरे और तीसरे नंबर तक थे दावेदारी में, लेकिन गौतम जी की दक को टिकट मिला और वो आज विधायक हैं। और आप कह रहे हैं कि अगर पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमें भी ऐसा समाचार मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 50% से ज़्यादा टिकट नए व्यक्ति को देगी, तो चलो इनको मिलता है तो हमारी तो शुभकामना सर आपको बहुत बहुत। हमें तो ये बताइए साहब कि बड़ी सारणी में क्या विकास की नई राय है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मैं हर एक गांव को शहर से भी बढ़ के बना दूंगा। बड़ी सारणी भी बहुत बड़ा टाउन है, चित्तौड़ जिले का है। बड़ी सारणी में ऐसा क्या बिजनेस हब डेवलप हो सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि साहब नीमच की तो बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन नीमच तो MP में आ गया। कई सारे किसान जो होते हैं बड़ी सारणी के, क्योंकि बड़ी सारणी में भी चाहे प्याज हो, लहसुन हो, खेती बाड़ी जैसे अफीम की खेती हो, तो जो मंडी है बड़ी नीमच की मंडी कहते हैं लोग, तो बड़ी सारणी में ऐसा क्या विकास नया दिखता है किसानों के लिए? ऐसा भाई साहब, किसानों के लिए तो काफ़ी कुछ अभी हमारे जो सांसद हैं CPG जोशी ने उन्होंने किया ही हैं। कितने ही लोगों के अफीम के पट्टे कट गए थे तो वापस उनको दोबारा दिलाए हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि बड़ी सादड़ी के क्षेत्र के जो किसान हैं उनको बड़ी सादड़ी में ही अपना माल उचित दर पर उनको पैसे मिल जाएँ और दाम मिल जाएँ और वो वहाँ बेच सकें। अभी हम निम्बाड़ा जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत दूर पड़ता है। दूसरा, बड़ी सादड़ी के आसपास काफ़ी माइनिंग एरिया हैं, भाणुजा इधर अपना खरदेवला के आसपास, इधर अपना भदेसर के आसपास, तो मैं चाहता हूँ कुछ इंडस्ट्री भी बड़ी सादड़ी में लगे और जो कि काफ़ी उस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिल सके, मेरी ऐसी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी आचलिया ने हमें समय दिया। यशवंत जी आचलिया जो कि यहाँ मंगलमणि ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर हैं, यहाँ के सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, फील्ड क्लब के सचिव भी हैं, फील्ड क्लब के पहले 2 बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है एक व्यक्ति को ही, जैसा कि बताया कि बड़ी सारणी एक ज़माने में गांव हुआ करता था, आज तो बड़ी सारणी बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर से आए हुए लोग हमारे उदयपुर शहर में इतनी बढ़िया प्रोग्रेस कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी जो सोच है, जब आप बड़ी सारणी से आकर उदयपुर में भी इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उदयपुर में कई लोगों से संपर्क करते हैं, तो आप जैसे आदमी को अगर विधायक भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो एक बड़ी सारणी का विकास ही होगा। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। चेहरा पे स्माइल लीजिए, बात धंधो बढ़िया चल रहे हो, होना चांदी बकरी होगा। अच्छो अंकल भी ले ला, ये ले ला, ये भी सोनी जी देखो।
यस सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप तो, हम तो घंटाघर जैसे बहुत बढ़िया थाने में है, तो कोई शुभकामना दे दें हम सबको। आप क्या व्यवस्था है घंटाघर में? बस घंटाघर थाने में हम सभी पैदल गश्त करते हैं और व्यापारियों को, इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी मुस्तैदी से हम ड्यूटी कर रहे हैं और सभी जाब्ता मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और सभी घंटाघर क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यस सर, यस धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली साहब, हैप्पी दिवाली। यस सर, दिवाली रो, राम राम। यस सर, यस। सुहाते हूँ तारों की बाराते हूँ, दूरी की नवाते हूँ, बस मुलाकाते हूँ, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। अपने तिलक लगाए आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी, सबको यही देती संदेशा। वाली चारे पसे बढ़ के खुशी छाई वे, रोशनी दे रंग लगे दिवाली आई वे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।